हेलो इविशनेबल्स, दोस्तों कैसे हो आप सब? गाइस वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इविशन लाइफ में। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं कतर एवेज की न्यू जॉब अपडेट के बारे में, जो कि मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं आज के दिन। दोस्तों दूसरी चीज बता दूं कि ये जो वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है और एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात रहने वाली है। तीसरी चीज, ये हायरिंग जो है मेल फीमेल के लिए होने वाली है। और सबसे मजेदार चीज दोस्तों, आप इंडिया में ही रहकर काम करोगे, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। एक और मजेदार चीज दोस्तों कि ये है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। तो डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि तनख्वाह कितने मिलने वाली है। दोस्तों तनख्वाह जो मिल जाएगी आपको 45,000 रुपए पर मंथ के आसपास तनख्वाह मिल जाएगी, और इंडिया में रहकर ही आप काम करेंगे। दूसरी चीज बता दूंगी आपको कतर एयरवेज की सारी वो फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे स्टाफ ट्रैवल, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। प्लस एक चीज और कि अगर आप फ्यूचर में कतर कैबिन क्रू का भी इंटरव्यू देते हो तो आपके पास ये नौकरी रहेगी, तो आपको एडवांटेज मिलेगा कतर के कैबिन क्रू के इंटरव्यू में फ्यूचर में। तो दोस्तों अगर आपके पास कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बिकॉज मेन जो चीज है दोस्तों वो है इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया दोस्तों, तो ये नौकरी आपकी होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें कोई एग्जाम देना। दोस्तों कोई एग्जाम नहीं देना, देना है तो सिर्फ एक इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू देने के बाद आप हो जाने वाले हो सेलेक्ट। समझ रहे हो? तो डिस्कस करते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सारी की सारी चीजों को लेकर बिल्कुल डिटेल एनालिसिस लेकर आ गया हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे मिलता रहे मोटिवेशन और मैं आप लोग के लिए लेकर आता जाऊँ लेटेस्ट जॉब अपडेट। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा एविएशन लाइफ का पेज है। तो आपको करना क्या है, नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लगातार जॉब की लेटेस्ट अपडेट मिलती जाए। अगर आपने वैकेंसी छोड़ दी मतलब आपने यहाँ को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लगातार लेटेस्ट जॉब अभी देखते हैं। आकाशा एयरलाइंस की कैबिन क्रू की वैकेंसी है तो उसका वीडियो भी देखिए। स्पाइस जेट की कैबिन क्रू की वैकेंसी है उसका भी वीडियो देखिए, जाके दोनों वीडियो देखिए दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको एयर होस्टेस या कैबिन क्रू बनना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, उसके बाद उसको आगे डिस्कस करेंगे। राइट दोस्तों एक चीज और, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि जॉब की अपडेट आपको डायरेक्टली लिंक वहीं पे मिल जाएगी, जिससे होगा क्या कि दोस्तों आपको तुरंत तुरंत लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती जाएगी। दोस्तों होता है कि दिन में 4-5 वैकेंसी आती है, 4 से 5 से 6 लगातार वैकेंसी आती रहती है, कई बार वीडियोस नहीं बना पाते हैं टाइम ना मिलने की वजह से। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो है जॉब की रेगुलर और फटाफट से अपडेट मिलते। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे आके फॉलो कर लीजिए, राइट, ताकि आपको अपडेट मिले। बात करते कतर एवेज की वैकेंसी कहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे आ जाना, कतर एवेज यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे दोस्तों कतर एवेज करियर में क्लिक मारना है। जैसे आप कतर एवेज करियर में क्लिक मारोगे तो दो वैकेंसी आई दिख रही होगी आपको, एक तो कैबिन क्रू की दिख रही होगी एयर होस्टेस की, और जैसे इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे दोस्तों तो एक वैकेंसी और दिखेगी आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके, यहाँ पे जो वैकेंसी आएगी ये है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस में जैसे आप क्लिक मारोगे तो एक न्यू जॉब अपडेट ओपन हो जाएगा आप लोग, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग हो रही है। यहाँ पे साफ साफ देखा कस्टमर सर्विस एजेंट कॉन्टैक्ट सेंटर अहमदाबाद में वैकेंसी आई है, यहाँ पे क्लिक मारते हैं। बात करते हैं, अब डिस्कस करते हैं जो इंटरनल चीजें दी हुई और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। राइट दोस्तों इसकी सबसे मजेदार चीज देखें, क्लोजिंग डेट है 31/12। 31/12 को क्या है, या दोस्तों 31/12 को है मेरा बर्थडे, और उस दिन ये वैकेंसी क्लोज होने वाली है, ठीक है। तो देख सकते हैं अहमदाबाद में रहकर आपको नौकरी करनी पड़ेगी, इंडिया कंट्री में रहकर नौकरी करनी पड़ेगी, और अहमदाबाद जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, और डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा, और प्रेफरेंस किसको किसको मिलेगी। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको एयरलाइंस ज्वाइन करनी है, ओके। बात करते हैं ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट जैसे कंप्यूटर की नॉलेज हो, जैसे जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नॉलेज हो। सबसे मजेदार चीज ये कि दोस्तों कोई चेक नहीं करता इंटरव्यू में, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, कोई चेक नहीं करता एक, राइट। तो आप चाहो तो अपने सीवी में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, नोबडी इज गोइंग टू चेक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज रहनी चाहिए, ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट चीज ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों अच्छी हो। हिंदी तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इंग्लिश की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कि फॉरन के बड़े बड़े कंट्रीज, सॉरी फॉरन कंट्रीज के लोग पैसेंजर ट्रैवल करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉल में बात करते हैं वो लोग, तो आपको भी बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो एक्सटर्नल, ओके। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि वर्क अंडर प्रेशर में काम कर सकें, ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मतलब कैसा होता है कई बार ऑफिस में कोई एम्प्लॉय नहीं आया तो मैं आपको बुला लूंगा कि यार कि आप आ जा, आप आ सकते हो क्या। तो ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट की फ्लेक्सिबल हो दोस्तों, इससे होता है कि एयरलाइंस को बहुत ज्यादा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय की तबियत खराब है, किसी एम्प्लॉय को कुछ इशू है, तो अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है इंटरव्यू में। नेक्स्ट ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जिनको एयरलाइंस का बेसिक नॉलेज हो तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं रहने वाली। नेक्स्ट मिनिमम कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, दोस्तों अगर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस है कहीं मॉल में काम करने का, जोमेटो स्विगी लेंसकार्ट किसी भी कंपनी में अपने कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव से काम किया है तो एडवांटेज मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारी दो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे,
एक इमरान और एक रीना। रीना के पास एक्सपीरियंस था, फ्रेशर थी, वो सेलेक्ट हुई थी। दूसरा इमरान, उसके पास एक्सपीरियंस था दोस्तों, तो समझ में आ रहा था मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वो सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, बात करते हैं नीचे के बारे में, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है, प्रेफरेंस मिलेगा ऐसे लोगों को जिस एयरलाइंस का नॉलेज होगा। अगर आप एयरलाइंस में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रहोगे तो और अच्छी बात है, प्लस दूसरा गुड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो अच्छी बात है। ओके, बात करते हैं इसमें काम क्या करेगा दोस्तों, आपका काम इसमें बेसिकली रहने वाला है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने स्टूडेंट से कई लोगों से बात करी, बताया कि फ्रेशर को भी सिलेक्ट कर रहे थे वो लोग। ठीक है, ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है, आपका क्या क्या काम रहेगा उसको डिस्कस लेते हैं दोस्तों। आपका काम रहेगा बेसिकली कस्टमर से बात करना। कई बार होता है कि फ्लाइट डिले हो जाती है, फ्लाइट डिले होती है तो उनको क्या था पैसा रिफंड किया जाता है, या वो चाहते हैं कि अगली टिकट हो जाए, तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, कॉन्टेक्ट सेंटर में उसको कॉल करना पड़ेगा। ये जो एयरपोर्ट में रहकर नौकरी नहीं कर रहे दोस्तों, एयरपोर्ट अलग है और कॉन्टेक्ट सेंटर दूर थोड़े शहर के अंदर बीच में रहता है, वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग रहेगी, वहां पे बैठ के आप पूरा कोऑर्डिनेट करोगे वहां पे बैठ बैठ के। ठीक है, तो ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो क्या करेंगे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कस्टमर सर्विस देंगे, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, टिकट करेंगे, टिकट बुक करेंगे, कोई ऑफर ऑफर चल रहा होगा तो उनको बताओगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो बेसिकली कस्टमर डीलिंग है ये रहने वाली है। ठीक है, बाय चैट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज अपसेल राइट करते हुए, इसके टिकट वगैरह बेचने पड़ेंगे राइट। अगर आप टिकट सेल करोगे तो आपको और ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, हो सकता है 45,000 का आपको 60,000 भी मिल जाए। नेक्स्ट दोस्तों, कोई फ्रॉड एक्टिविटी होती है तो उसको आप चेक चेक करना है। ठीक है, पैसेंजर को इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स करने हैं। ठीक है, हैंडलिंग मल्टी प्रोडक्ट्स राइट, और फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये आपका बेसिकली काम रहने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई ज्यादा क्वेरी आ गई जिसको आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, अपने सीनियर कॉन्टेक्ट सेंटर स्टाफ को अप्रोच करना है ताकि वो जो चीजों को रिजोल्व कर सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बेसिकली लोगों को दोस्तों वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, उनको पैसेंजर की हेल्प करनी है, टिकटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें रहने वाली है। ओके, ताकि सबको समझ में, बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ओके दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एविएशन लाइफ की ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपको भी घर बैठे बैठे तैयारी करनी है, अगर आपका कोई इंटरव्यू नहीं निकल रहा, अगर आपको ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू की तैयारी करनी है राइट, अगर दोस्तों आपको ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको कैबिन क्रू बनना है, या आपको एयरलाइन ज्वाइन करनी है, तो दोस्तों एविएशन लाइफ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहने वाला है आप लोग के लिए। दूसरी चीज दोस्तों, मेरे पास, मेरा नाम है आशीष कुमार साहू, मेरे पास एक्सपीरियंस 10 से भी ज्यादा साल का, और मैंने खुद ने दोस्तों अलग अलग एयरलाइन से ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू निकाले हैं, प्लस कैबिन क्रू के भी इंटरव्यू निकाले हैं, प्लस दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, प्लस अब्रॉड एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। दोस्तों अगर आपको घर बैठे बैठे तैयारी करनी है, तो एविएशन लाइफ से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बेसिकली होता क्या कि कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है, और ध्यान देना, गलती से भी किसी डिप्लोमा प्रोग्राम, एविएशन इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा कोर्स, इसमें एडमिशन मत लेना, क्योंकि एयरलाइन ज्वाइन करने आपको करना क्या है, सिर्फ एक इंटरव्यू निकालना है, और वो इंटरव्यू निकाल लोगे तो आपकी नौकरी आराम से लग जाएगी। तो हम बेसिकली लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं, जो कि दोस्तों ए टू जेड क्वेश्चन आंसर वही आएंगे जो मैं बता के भेजूंगा। क्वेश्चन का दोस्तों आंसर भी आपको वही बोलना पड़ेगा, जो कि देखो आप लोग करते हो, अपनी मनमानी चलाते हो, अपने हिसाब से आंसर देते हो, आपको आंसर ऐसा देना है कि जो वो उसे अच्छा लगे। नेक्स्ट चीज दोस्तों, सीवी फ्री में सीवी बनाकर देंगे, मॉक इंटरव्यूज होगा, पीडीएफ होगा, नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, वर्ल्ड के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल, देख सकते हैं दोस्तों स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, अंशु शी इज वर्किंग, अभी ये काम कर रही है इन एयर इंडिया एज अ कैबिन क्रू, प्रिया काम कर रही है इन इंडिगो एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू, जयदीप काम कर रहे हैं दोस्तों पुणे में एज अ ग्राउंड स्टाफ। ठीक है, रघु ऋषि का शी इज वर्किंग इन हैदराबाद एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। समझ में आया दोस्तों ये सारी की सारी चीजें। बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में, यहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि एविएशन लाइफ है। ओके, तो ये है इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएगी। ये देखने के बाद देख सकते हैं, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों। सबसे मजा चीज ये कि अभी चल रहा है मेगा डिस्काउंट ऑफर। क्या चल रहा है? मेगा डिस्काउंट ऑफर। तो अगर आप आज के दिन में ज्वाइन करते हो दोस्तों, क्योंकि अभी चल रहा है मेगा डिस्काउंट प्लस ईयर एंड ऑफर, ये कोर्स जो आपको दोस्तों 3,000 रुपीज में मिल रहा है, 3,999 रुपीज में ग्राउंड स्टाफ का कोर्स का, ये जो कोर्स है ना, इस इंटरव्यू क्रैक करने आपको ग्राउंड स्टाफ का कोर्स ज्वाइन करना है, क्रू का कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तो दो कोर्सेज अवेलेबल यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री सीवी, लाइव क्लासेस फॉर मॉक लाइफ टाइम, मॉक इंटरव्यूज रिकॉर्ड एच फॉर लाइफ टाइम, मॉक इंटरव्यूज, पीडीएफ नोट्स, इवन दोस्तों आपको रेफरेंस भी मिलेगा एयरलाइंस के इंटरव्यू में, जिससे आपका इंटरव्यू एक बार में क्रैक होने वाला है। दोस्तों सबसे मजेदार चीज बता दूं कि अभी चल रहा है ईयर एंड ऑफर, जैसे स्टूडेंट्स कैसे सेलेक्ट हुए हैं राइट, अभी चल रहा है ईयर एंड ऑफर, तो अभी आप ज्वाइन करते हो राइट, फाइनल कॉल है ईयर एंड अवेलेबल है, तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो आपको मिलेगा दोस्तों सेम कोर्स सिर्फ 2,999 रुपए में, और अगले साल दोस्तों यही कोर्स की प्राइस होने वाली 6,000 रुपीज। तो मौके का फायदा उठाइए, फटाफट से मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में राइट, और क्या बोलने आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेज के, सर आई नीड डिस्काउंट, क्या लिख के भेजेंगे, सर आई नीड डिस्काउंट। तो बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में रहने वाला है, और आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। दुनिया में इससे अफोर्डेबल कॉस्ट में दोस्तों और क्वालिटी एजुकेशन कोई नहीं दे रहा राइट, तो फटाफट से मैसेज भेजिए व्हाट्सएप नंबर में जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी क्लासेज ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आप 200% आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे, बट शर्ते आपको मेरी गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी और लगातार फोकस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, तो इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा।
ठीक है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको जानना है कैसे स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सारी की सारी चीजें, सबके इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऊपर दिए हुए, वो जाके इंटरव्यू देख सकते हैं। आकाश एयरलाइंस, इंडिगो क्रू, अकाशा क्रू, स्पाइसजेट क्रू, ठीक है, अगेन एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रू, एयर एशिया ग्राउंड स्टाफ देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, अगेन इंडिगो ग्राउंड स्टाफ, सेलेबी, अलग अलग एयरलाइंस दोस्तों, इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए कि अब तो मैं नाम में भूलने लग गया हूँ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों की सारी की सारी बात करते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना। दोस्तों यहाँ पे जाना है आपको अप्लाई नाउ में क्लिक मारना, जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक मारोगे तो होगा कि इनका एक अलग से पोर्टल खुल जाएगा, राइट। ये अलग से पोर्टल खोलने पर ध्यान देना दोस्तों, यही पे मेन गेम है, आप लोग गेम कहाँ हारोगे यहीं पे हारोगे, गलती कहाँ पे होगी यहीं पे होगी, ठीक है। गेम बता रहा हूँ आपको, या एक्सेप्ट करना है, जैसे एक्सेप्ट करोगे दोस्तों ये फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड सीवी करने का ऑप्शन आएगा, सीवी बनाने में ही गलती करते हो आप, देखो दो एयरलाइंस एक स्टैंडर्ड सीवी चाहिए जो शॉर्टलिस्ट करता है उनका सॉफ्टवेयर, वो सीवी भी आपको मैं बना कर दूंगा और बिल्कुल ए टू जेड बिल्कुल एग्जैक्ट उसे अपलोड करना है विदाउट एडिटेड दोस्तों, तो आपकी सीवी एक बार में शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। तो सीवी अपलोड करने में गलती होगी, आप लोग की सीवी तो मार्क नहीं रहती है, आप लोग वो स्टैंडर्ड पैरामीटर फिट जो सीवी चाहिए वो नहीं अपलोड करते हो, इसलिए आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है। या तो आप कतर एयरस वालों को दोस्तों बेवकूफ समझते हो और उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हो, एक बार सेलेक्ट होने के बाद एक बार इंटरव्यू देने के बाद दोबारा इंटरव्यू देने की कोशिश करते हो, इस वजह से भी आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो मैं बताऊंगा कैसे सीक्रेटली आपकी सीवी हर बार शॉर्टलिस्ट होगी, प्लस आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे सीवी अपलोड करना है, प्लस आपको सीवी बनाकर भी दूंगा और मैं बनाकर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इस तरह आपको फॉर्म फिलअप करना है, आखिर में सबमिट कर देना, जैसे आप सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म जमा हो जाएगा और दोस्तों उसके बाद कतर एयरस वाले आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन आपको तभी बुलाएंगे जब आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी। अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी दोस्तों तो दे विल बी नॉट बी गिविंग योर कॉल। तो आई गेस सबको समझ में आ रहा है चीजों के बारे में, तो मौके का फायदा उठाइए, ईयर एंड ऑफर चल रहा है, इसके बाद दोस्तों सेम कोर्स की प्राइस आपको मिल जाएगी 6,000 या 5,000 रुपीज, मौके का फायदा उठाइए, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल, मिलते हैं क्रैश कोर्स में।